नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आगे डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। क्रिप्टो करेंसी से लेनदेन की इजाजत, एनपीसीआई ने बैन लगाने से किया इनकार। और अप्रैल में रिटेल महंगाई घटने लेकिन थोक महंगाई बढ़ने के अनुमान। बीते महीने रिटेल महंगाई 3.9% और थोक महंगाई 9.1% रही होगी। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम ने हफ्ते में 5 दिन काम को मंजूरी दे दी है। 10 मई से इसे लागू किया जाएगा। सोमवार से शुक्रवार तक काम होगा और शनिवार और रविवार को छुट्टी होगी। अभी तक दूसरे और चौथे शनिवार को एलआईसी चालू रहती थी। गुरुवार को एलआईसी ने इस संबंध में बाकायदा नियम लागू कर दिया। एलआईसी ने कहा कि सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 से शाम 5:30 तक ऑफिसेज चालू रहेंगी, जबकि हर शनिवार और रविवार को पूरी तरह से बंद रहेंगी। यानी हफ्ते के चालू दिनों में केवल 7.5 घंटे काम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। घरेलू भुगतान प्राधिकरण नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने क्रिप्टो करेंसी लेन देन पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है। एनपीसीआई ने यह फैसला बैंकों पर छोड़ दिया है। अब यह बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि वह क्रिप्टो करेंसी व्यापार के लेन देन पर प्रतिबंध लगाएगी या नहीं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बैंकों से कहा है कि वे अपने कानूनी और अनुपालन विभागों की सलाह के आधार पर इस पर निर्णय लें। एनपीसीआई की सलाह ऐसे समय में बेहद महत्वपूर्ण है जब इस वक्त कई दिग्गज बैंक धीरे धीरे करके क्रिप्टो डील से जुड़े भुगतानों को ब्लॉक कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग आधा दर्जन से ज्यादा बैंकों ने क्रिप्टो करेंसी के व्यापार में शामिल व्यापारियों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए पेमेंट गेटवे ऑपरेटरों को निर्देशित किया है। गूगल अपने कर्मचारियों के लिए हाइब्रिड वर्क वीक लाई है। गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई के मुताबिक इस वीक में गूगलर 3 दिन दफ्तर और 2 दिन जहां उन्हें अच्छा लगे वहां काम करेंगे। पिचाई के मुताबिक 20% स्टाफ दफ्तर खुलने के बाद भी अपने घरों से काम करेंगे, जबकि 60% गूगल कर्मी कुछ दिन के लिए दफ्तर आएंगे। पिचाई के मुताबिक दफ्तर में सभी काम पर फोकस करेंगे। उसी हिसाब से तय होगा कि कौन कब दफ्तर आएगा। थोक महंगाई अप्रैल में उछलकर 9.1% पर जा सकती है, जबकि खुदरा महंगाई घटकर 3.9% पर रह सकती है। ये बातें मॉर्गन स्टेनली ने अपनी रिपोर्ट में कही है। उसका कहना है कि कोविड के बढ़ते मामलों के बीच महंगाई में उछाल इकोनॉमी पर दबाव बढ़ा सकता है। मॉर्गन स्टेनली ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अप्रैल में पिछले एक साल के मुकाबले थोक महंगाई 9.1% रह सकती है। मार्च में लो बेस के चलते थोक महंगाई दर 7.4% रही थी। खाने पीने के दाम में महंगाई की रफ्तार घटने का अनुमान है, लेकिन कम बेस इफेक्ट के चलते दूसरे सामान में महंगाई में तेज उछाल आने का अनुमान है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि खुदरा महंगाई अप्रैल में घटकर 3.9% के लेवल पर आ सकती है। मार्च में खुदरा महंगाई की दर 5.5% थी। इसकी वजह बेस इफेक्ट के अलावा खाने पीने के सामान के दाम में आई कमी थी। इसके अलावा पिछले साल के हाई बेस इफेक्ट के चलते कोर सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी कमी आने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। मंत्रिमंडल ने इस साल के बजट में की गई घोषणा के अनुरूप आईडीबीआई बैंक की हिस्सेदारी चुनिंदा निवेशक को बेचने और उसे बैंक का प्रबंध सौंपने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी। आईडीबीआई बैंक में केंद्र सरकार और एलआईसी की कुल हिस्सेदारी 94% से ज्यादा है। इसके बाद आईडीबीआई बैंक के शेयर में जोरदार तेजी देखी जा रही है। मालूम हो कि आईडीबीआई बैंक 5 साल बाद मुनाफे में आया है। खबर समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। क्रिप्टो करेंसी से लेनदेन की इजाजत, एनपीसीआई ने बैन लगाने से किया इनकार। और अप्रैल में रिटेल महंगाई घटने लेकिन थोक महंगाई बढ़ने के अनुमान। बीते महीने रिटेल महंगाई 3.9% और थोक महंगाई 9.1% रही होगी। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।